सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी एंड के अकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज की और ये है हमारा पार्ट फोर्थ यानी चौथा भाग, जिसमें बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 76 से एमसीक्यू नंबर 100 यानी 76 से लेकर 100 तक। यदि इससे पहले वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देखें, क्योंकि हमारे वीडियो की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हम एक एक जो ऑप्शन होता है उन पर जिन पर भी पॉसिबल होता है सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो सके। इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmppsc.com। साथ ही वेबसाइट की जो लिंक है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लें ताकि आपको हमारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है कृपया इसे पूरा देखें ताकि संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपके समय की और हमारे मेहनत की दोनों की वैल्यू हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ पहला वीडियो, पहला प्रश्न 76। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सही शब्द अगर आपको ज्ञात करना है तो हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसके अंदर जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे परिणति जैसा कोई शब्द नहीं होता, परिणति भी नहीं होता, परिणति होता है। क्या होता है? परिणति। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इसे परिणति को बोलेंगे तो आप पाएंगे कि री भी छोटी आप बोल रहे हैं और ती भी आप छोटी बोल रहे हैं। जैसे बोले आप परिणति, परिणति होता है एक या परिणति, तो जो री है और ती है दोनों छोटा बोला जा रहा है, तो परिणति ये इसका परिणति नहीं होता, परिणति होता है, तो ये इसका सही है। जो दूसरों के सहारे जीवित हो, उस वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। जो दूसरों के सहारे जीवित हो, ध्यान दीजिएगा, परालंबी नहीं कहते, परालंबी उसे कहा जाता है जो दूसरे पर आलंबित हो यानी दूसरों के सहारे हो लेकिन जीवित ना हो, दूसरे का सहारा लेता हो। पराश्रित जो दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे कोई अबोध बच्चा होता है वो जीवित दूसरे के सहारे नहीं होता, वो जिंदा अपने सहारे होता है लेकिन दूसरे का आश्रय लेता है। पराधीन जो दूसरे के अधीन हो यानी कि स्वतंत्र ना हो, लेकिन परजीवी जो होता है जो दूसरे के ऊपर अपने जीवन को जीता है यानी कि दूसरा ना हो तो उसके जीवन का भी अस्तित्व नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाता है। नायक शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ध्यान दीजिएगा, नायक शब्द में जो संधि का यूज किया गया है वो दीर्घ संधि नहीं है, गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है, अयादि संधि है। चलिए हम देखते हैं अयादि संधि में जो नायक शब्द है उसका जो विच्छेद है वो कैसे किया गया है। देखिए, नायक शब्द की बात करें तो पहले अयादि संधि समझते हैं कि अयादि संधि में होता क्या सा है। देखिए, अयादि संधि के लिए आप देखेंगे अगर ए है और ए के साथ यदि अ मिलता है तो क्या बनेगा? ए के स्थान पर जो चेंज हो क्या जाएगा वो हो जाएगा आए। ध्यान दीजिएगा, आए, और ये आ अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। उसी तरह से अगर ओ है और ओ के साथ आ होता है तो वो क्या हो जाएगा? ओ की जगह पर हो जाएगा आओ। यहां पर ओ की जगह पे अब हुआ है, आ अपनी जगह बना रहेगा। उसी तरह से हम बात करें ए के साथ अगर कुछ मिलता है तो वो बन के हो जाता है आए, और ओ के साथ अगर मिलता है ए तो वो बन के हो जाएगा हाव। चलिए अब हम देखेंगे कि नायक में ये कैसे हुआ है। तो नायक की जो संधि होती है ने धन अक, यहां पर देखिए इसमें क्या है? ए है, ठीक है, इसमें ए है तो ए जो है इसके साथ जुड़ा। यहां पर आप देखेंगे ना, ये ना आधा ना अलग आ गया, प्लस ए जो था इसमें क्या है? ए है, और ए के साथ क्या आएगा? आय आएगा, तो आय आया तो आय ऐसा कैसा आ गया? बड़ा आ गया यहां पर, और या आ गया, और ये पीछे का या आ रह गया और ये का रह गया, और ये आ और आ मिलके बड़ा जो या पूरा हो गया और ना के साथ ये आ मिल गया, तो क्या बन जाएगा? ना
या क, ध्यान दीजिएगा, ये आ छोटा या छोटा था या में ये आ मिला तो ये पूरा या बन गया, ना में बड़ा आ मिला तो ना बन गया, और ये नायक, तो इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। साथ में अगर वृद्धि संधि का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सारी संधियों को बहुत विस्तार से मैंने उसमें समझाया है, तो आप सारी संधियों को यहाँ से समझ सकते हैं। अगले बात करें तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, पाप पुण्य में जो समास है उसका नाम है द्वंद समास। तत्पुरुष समास नहीं है, द्वंद समास है। द्वंद समास में वो समास होते हैं जिसमें दो शब्द इस तरह से होते हैं जो जिनके बीच को अगर समास विच्छेद कर लिखा जाए तो या तो यह लिखा जाएगा या और लिखा जाएगा। तो पाप और पुण्य का अगर हम करेंगे तो पाप पुण्य को कैसे लिखा जाएगा? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये इसका समास विग्रह होगा। यानी कि दो शब्द जो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो जो समास होता है वो द्वंद्व समास होता है। जबकि कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय के अंदर चीजें अलग तरीके से होती हैं, वहां पर एक जो दूसरे की विशेषता बताने का काम करता है। तत्पुरुष के अंदर जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में किसी तीसरे व्यक्ति की बात आ जाती है, और समास के ऊपर भी वीडियो हमारा है तो वो भी आप देख सकते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसके लिए सही शब्द चुनिए। देखिए, ऐसा तर्क जोरदार नहीं होता, जोरदार मतलब कि जो अच्छा होता है लेकिन उसके बारे में जवाब दिया जा सकता है, तीखा वो नहीं होता, वो होता अकाट्य। अकाट्य मतलब जिसको काटा ना जा सके, जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, वो होता है अकाट्य। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है समास नहीं होता। समास का मतलब होता है संक्षेप करना, यानी किसी भी चीज को छोटा करना, ये समास होता है। अव्यय नहीं होता है, ये क्या होता है? जो अंत में जोड़ा जाता है, प्रत्यय जो होता है वो अंत में जोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ध्यान दीजिएगा, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना एक नदी का नाम है, ये पर्टिकुलर एक नाम है, तो इसलिए यमुना जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं गाय की बात करें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ की बात करें तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, आम की बात करें, क्योंकि गाय से ये पता नहीं चलता पर्टिकुलर कौन गाय, पूरे गायों के समूह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह से पहाड़ से भी ऐसा ही होता है और आम से भी यही होता है। आम के बहुत सारी वेराइटीज होते हैं लेकिन अलग अलग हमें पता नहीं चलता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रख्यात के अंदर जो उपसर्ग का जिसका यूज किया गया है वो जो है प्रख्यात के अंदर जिस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो है प्र। ख्यात एक अलग वर्ड है, उसके आगे क्या लगा है? प्र, तो प्र जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला जो है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्द से जो नया सार्थक शब्द बनता है, ध्यान दीजिएगा, दो से अधिक शब्दों से जो सार्थक शब्द बनता है वो संधि नहीं होता, अव्यय नहीं होता, छंद नहीं होता, वो समास होता है। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या है? तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ जो है वो है पास रहकर दुख देना। ध्यान दीजिएगा, पास रहकर दुख देने को मतलब क्या होता है? छाती पर मूंग दलना। जिसे बुलाया ना गया हो उस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, अनबोला तो वो होता है जिससे बात नहीं होती, अतिथि वो होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, अभ्यागत वो होता है जो कि किसी के घर आया हो, तो अनाहुत जो होता है, आहुत का मतलब होता है बुलाना, तो अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले ही बता चुका हूँ, संक्षेप जो होता है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा पद जो है अव्ययी भाव समास है? ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा है अव्ययी भाव समास? तो अव्ययी समास की हम बात करें तो ग्रह आगत का मतलब होता है ग्रह को आगत, तो इसके अंदर जो है तत्पुरुष समास है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर है तत्पुरुष समास। वहीं प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन इसमें ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि ये प्रति जो लगा हुआ है, प्रतिदिन, हर दिन, हर एक, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अव्यय होते हैं, और जो अव्यय होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। आचार कुशल जो है, आचार कुशल एक तत्पुरुष समास है, और कुमारी की बात करें तो कुमारी जो है एक कर्मधारय समास है, क्योंकि कुमारी जो होती है, कुमारी लड़की को कहा जाता है, लड़की की विशेषता ये कुमारी बता रहा है। ना तीन में ना तेरह में का क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ होता है किसी काम का ना होना, जो कोई किसी काम का नहीं होता उसे कहते हैं ना तीन में ना तेरह में। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित के अंदर जो प्रत्यय है वो इत है। ध्यान दीजिएगा, इत जो है वो निर्वासित के अंदर प्रत्यय का यूज किया गया है। एक कोई प्रत्यय नहीं बनता, प्रत्यय है एक लेकिन इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। नी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। सित की बात करें, सित कोई प्रत्यय नहीं होता, इत जो है वो प्रत्यय है।
निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक, यदि अपादान कारक क्या होता है ध्यान दीजिएगा, उसमें से होता है, लेकिन से जो बोध होता है वो इस तरह से किसी के ऊपर से निकलने का बोध होता है। तो देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा तो इसका भी ये वाला नहीं है। मोहन से अबरहा नहीं गया, ये भी अपादान कारक नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती, कहीं से निकलने के किसी के ऊपर से निकलने का जो बोध हो रहा है तो वो है हिमालय से गंगा निकलती, तो ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, सभी को पता है संधि कहते हैं, दो वर्णों से जो मेल होता है समास दो शब्दों का मेल कहलाता है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ध्यान दीजिएगा, किस शब्द में प्रत्यय, तो सागर में प्रत्यय नहीं है, नगर में नहीं है, अगर मगर में नहीं है, जादूगर में प्रत्यय है ध्यान दीजिएगा, जादूगर में प्रत्यय, क्योंकि जादू एक अलग वर्ड है और गर एक अलग वर्ड है, जिस तरह से जादूगर बाजीगर, तो इसमें ये गर है, ये प्रत्यय लगा हुआ है। जिस समास में उत्तम उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही पूर्व पद तथा तो उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वह कौन सा समास होता है, तो वो जो समास होता है वो कहलाता है कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास के अंदर किसी तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। वहीं तत्पुरुष की बात करें तो इसमें विभक्ति लगी हुई होती है, इसमें हालांकि उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन विशेषण और विशेष्य का बोध नहीं होता है। वहीं द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कर्मधारय जो होता है उसके अंदर जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, ये एक से दूसरे की उपमा दी जा रही है और विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है। मखमली जूते का मारना उसको क्या कहलाता है, देखिए मीठी बातों से लज्जित करने का मतलब होता है मखमली जूते मारना। 96 की बात करें तो शत्रु का पर्यायवाची, तो आप सभी को पता होगा सहचर दोस्त होता है, अरी जो होता है वो शत्रु कहलाता है, मनुज नहीं होता, सखा नहीं होता। निम्न किसमें से रूढ़ शब्द कौन सा, सबसे पहले तो ये समझेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वाचन को और आले को अलग अलग तोड़ा जा सकता है, या सम को और तल को तोड़ा जा सकता है, विद्या को और आले को तोड़ा जा सकता है, लेकिन पशु को किसी और शब्द में नहीं तोड़ेंगे। अगर पा अलग लिखेंगे और शु अलग लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये जो पशु है ये रूढ़ शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी जो है इसमें सी जानवी जो है शुद्ध वर्तनी, इसको ना और आधा ना इसमें पहले है लेकिन लिखा इस तरीके से जाता है, तो जानवी ये है सही इसका। संधि कितने प्रकार की होती है, सभी को पता है तीन प्रकार की होती है, स्वर्ग व्यंजन और विसर्ग, और जो स्वर संधि होती है उसके फिर पांच प्रकार अलग अलग होते हैं, दीर्घ होता है, वृद्धि होता है, गुण होता है, आयादि होता है, यण होता है, तो ये संधियाँ फिर अलग अलग होती हैं। अंतिम प्रश्न की बात करें, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय लगता है पीछे की तरफ, प्रत्यय लगता है पीछे, तो इन सभी में जो है अभी एक उपसर्ग है, व्या में ये उपसर्ग है, अप में अप उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी शब्द नहीं है जिसकी प्रत्यय से रचना हुई है। तो ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमें आप मोटिवेट कीजिए, यदि आपको लगता है इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है तो वो हमें ज़रूर ज़रूर आप बताएं। तो आज का वीडियो करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे TNK Academy जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।